हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। चिकित्सा शिविर में उमड़े लोग मरीजों की लगी लंबी कतार। राजकीय शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र टैगोर नगर की ओर से दिनांक 16 अक्टूबर 2020 को नया गांव स्थित जोग माया की ठाणी में निःशुल्क मेडिकल शिविर का आयोजन किया गया। पब्लिक हेल्थ मैनेजर अशोक भार्गव ने कहा कि मेडिकल कैंप में आने वाले 30 वर्ष से लेकर 65 वर्ष की आयु के मरीजों का बीपी व शुगर की जांच जीएनएम रेखा चौधरी द्वारा की गई। स्वास्थ्य परीक्षण में कम हेमोग्लोबिन वाली गर्भवती महिलाओं को जिला अस्पताल रेफर किया गया। डॉक्टर विनोद कुमार द्वारा मरीजों की जांच करके स्वस्थ रहने के बारे में जानकारी दी। डेंटल हाइजीनिस्ट गुलशन कुमार द्वारा दांतों को साफ रखने तथा दांतों के संबंधित रोगों के बारे में बताया। एएनएम शबाना बानो द्वारा गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण किया। लैब टेक्नीशियन महावीर सिंह द्वारा लैब संबंधित जांच की गई। फार्मासिस्ट भंवरलाल द्वारा निःशुल्क दवाइयों का वितरण किया। कोरोना महामारी को ध्यान में रखते हुए मास्क लगाकर रखने के सुझाव दिए ताकि इस महामारी से बचा जा सके। वर्तमान समय को देखते हुए मास्क की वैक्सीन है, इससे लोगों को जागरूक किया। मेडिकल कैंपों में आए चिकित्सकों की मदद करने के लिए समाज सेवी अनु सोलंकी, राजकीय प्राथमिक विद्यालय के प्रधान अध्यापक बाबूलाल, फरदीन, संदीप, सुनीता उपस्थित रहे। जागरूक टीवी के लिए पाली से दिनेश चौहान की रिपोर्ट।